हेलो एवरीवन, टीसीपी फ्लैग्स पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपके साथ पुश फ्लैग के बारे में सारी अच्छे से डिस्कशन करी थी, आपको याद आ रहा होगा, है ना? अच्छा, नहीं याद आ रहा तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख लो। आज के लेक्चर में हम लोग जो दो फ्लैग्स हमारे बच गए हैं उनकी बात करेंगे, एक अर्जेंट फ्लैग की और एक आरएसटी फ्लैग की। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जितना मैं आप लोगों को समझाऊंगा दैट विल बी मोर देन सफिशियंट। पहले मैं एक थोड़ा सा फ्री स्टाइल से आपको चीजें समझा देता हूँ, उसके बाद जो मैंने ये सब लाइन्स लिखी है वो मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। ठीक है जी, देखो भाई, अर्जेंट फ्लैग का क्या सिनेरियो है। जैसे देखो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, जो एप्लीकेशन लेयर पे बैठे प्रोसेसेस हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। टीसीपी का क्या मतलब है कम्युनिकेट करने का? टीसीपी को क्या पता भाई, वो तो एक असिस्टेंट है ना? तो एप्लीकेशन लेयर पे बैठे प्रोसेसेस कम्युनिकेट करते हैं भाई। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन लेयर का प्रोसेस है इसके लिए एक असिस्टेंट है ना? मान लेते हैं हम ये प्रोसेस ए है तो उसके लिए असिस्टेंट है एक टीसीपी ए। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एप्लीकेशन लेयर पे बैठा प्रोसेस होगा, लेट अस सपोज प्रोसेस बी, और उसके लिए उसका असिस्टेंट होगा जी टीसीपी बी। ठीक है, अच्छा अब सपोज करो जो प्रोसेस ए है वो ऐसे समझ लेते हैं कि चलो क्लाइंट सर्वर समझ लेते हैं ना, ए बी को छोड़ो क्लाइंट सर्वर समझ लेते हैं क्योंकि इससे हमारे कुछ चीजें जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर पे हमारे पास क्या है, एक क्लाइंट प्रोसेस है, और दूसरी तरफ हमारे पास एप्लीकेशन लेयर पे कौन बैठा है जी, सर्वर प्रोसेस बैठा है। ठीक है, ओके जी, सो दिस इज योर सर्वर प्रोसेस। अब क्लाइंट कुछ ना कुछ डेटा प्रोसेसिंग करवाना चाह रहा है सर्वर से। ठीक है, तो कुछ भी डेटा प्रोसेसिंग हो सकती है, एनीथिंग, जैसे कुछ नंबर्स हैं, नंबर क्रंचिंग करना है एंड सो ऑन, मतलब देयर कैन बी हेल लॉट ऑफ एप्लीकेशंस व्हिच वी कैन डू। ठीक है, तो मतलब मेन बात क्या है कि क्लाइंट इतना कैपेबल नहीं है कि वो कुछ प्रोसेसिंग कर सके, तो वो सर्वर से कराना चाहता है ना? जैसे आप लोग आगे आईआईटीज में जाएंगे तो मशीन लर्निंग वगैरह करेंगे, तो मशीन लर्निंग में हम लोग एल्गोरिदम को ट्रेन करते हैं एंड सो ऑन, तो उसके लिए सर्वर का यूज होता है। तो मेन बात क्या है, बस ऐसे समझ लो कि हम लोग डेटा प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ भी डेटा है हमारे पास, हमने उसकी प्रोसेसिंग करवानी है। ठीक है, तो क्या हुआ, और डेटा भी ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्लाइंट ने क्या किया, बहुत सारा डेटा था उसके पास, वो सारा का सारा डेटा उठा उठा करके अपने असिस्टेंट टीसीपी ए को देता चला जा रहा है। टीसीपी ए जो है, या टीसीपी क्लाइंट है ना, अब हम इसको क्लाइंट बोलते हैं, ए नहीं बोलते। ठीक है, टीसीपी क्लाइंट को, जो एप्लीकेशन लेयर पे बैठा क्लाइंट प्रोसेस है, वो देता चला जा रहा है ना, सारा का सारा यू कैन से प्रोसेस डेटा देता चला जा रहा है, वो अपने बफर के अंदर सेव करता चला जा रहा है। ठीक है, और साथ साथ वो कुछ कुछ डेटा आगे फॉरवर्ड भी करता चला जा रहा है, किसको, टीसीपी सर्वर को। ठीक है, तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, मैंने बस ये नाम रख दिया टीसीपी क्लाइंट टीसीपी सर्वर, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने सिर्फ नाम रख दिया है ना। क्लाइंट प्रोसेस है तो उसके लिए मैंने टीसीपी क्लाइंट बोल दिया, सर्वर प्रोसेस है उसके लिए मैंने टीसीपी सर्वर बोल दिया। ठीक है जी, तो क्या कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर पे बैठा क्लाइंट प्रोसेस, वो बहुत सारा डेटा इकट्ठा टीसीपी क्लाइंट को देता चला जा रहा है, वो अपने बफर में स्टोर करता चला जा रहा है, और टाइम टू टाइम सेगमेंट्स बना बना करके आगे भेजता चला जा रहा है। ठीक है, ये सिनेरियो समझ में आ रहा है? अच्छा जी, और यहाँ पे जो हमारा जो टीसीपी सर्वर होगा, वो जो भी ये सेगमेंट्स भेज रहा है वो यहाँ पे इसमें स्टोर होती चली जा रही है, और ये भी टीसीपी सर्वर टाइम टू टाइम एप्लीकेशन लेयर का जो प्रोसेस है, सर्वर प्रोसेस, उसको देता चला जा रहा है। समझ में आ रहा है, ऐसे साइकिल चल रही है बस। यहाँ से डेटा काफी सारा आ रहा है टीसीपी क्लाइंट के पास, टीसीपी क्लाइंट अपने बफर में स्टोर कर रहा है, और धीरे धीरे सेगमेंट्स बना बना करके भेजता चला जा रहा है। टीसीपी सर्वर के अंदर वो सेगमेंट स्टोर हो रही है, और धीरे धीरे टीसीपी सर्वर उठा उठा करके डेटा एप्लीकेशन लेयर पे जो बैठा सर्वर प्रोसेस है उसको देता चला जा रहा है। आई थिंक समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, अब क्योंकि बहुत सारा डेटा था तो धीरे धीरे सर्वर प्रोसेसिंग भी कर रहा है ना? तो जो सर्वर प्रोसेस है उसने कुछ कुछ डेटा की प्रोसेसिंग कर ली, और डेटा की प्रोसेसिंग करके वो टीसीपी सर्वर को दे रहा है। ठीक है, अब आगे चल के वैसे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, विंडो वगैरह के बारे में सब क्लियर करूंगा, अभी के लिए समझ लो भाई अलग अलग बफर्स होते हैं। मैंने आपको शायद पहले भी काफी बार बताया है, सेंडिंग बफर और रिसीविंग बफर, जिसको हम विंडो भी कह सकते हैं। तो ये तो रिसीविंग वाला होगा ना, यहाँ से रिसीव कर रहा था डेटा, तो इसके पास एक और बफर होगा सेंडिंग बफर। ठीक है, तो ये डेटा प्रोसेसिंग कर करके देता चला जा रहा है, वो सेंडिंग बफर में आ रहा है, और सेंडिंग बफर से जो हमारा टीसीपी सर्वर है वो डेटा इधर रिसीवर के पास या क्लाइंट के पास भेजता चला जा रहा है। ठीक है, और क्लाइंट के पास हमारे पास वही बात है, ये बफर होगा है ना, विंडो होगी रिसीविंग विंडो, उसके अंदर ये रिसीव करता चला जा रहा है। समझ रहे हो, यहाँ से टीसीपी क्लाइंट अपना डेटा रिसीव कर रहा है और आगे सर्वर के पास भेजता चला जा रहा है। सर्वर कहाँ रिसीव कर रहा है भाई इस चीज को, सर्वर सारा रिसीव कर रहा है इधर। ठीक है, और धीरे धीरे वो प्रोसेस को दे रहा है, एप्लीकेशन लेयर पे जो सर्वर प्रोसेस बैठा है उसको दे रहा है, और सर्वर प्रोसेस क्या कर रहा है, धीरे धीरे डेटा को प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करते करते ये अपने सेंडिंग बफर में भेज रहा है, और सेंडिंग बफर में जब भेज रहा है तो टीसीपी सर्वर उसको उठा उठा करके धीरे धीरे सेगमेंट्स बना करके
भेजता चला जा रहा है, किसके पास, टीसीपी क्लाइंट के पास। तो टीसीपी क्लाइंट के पास जो रिसीविंग बफर होगा उसके अंदर डेटा स्टोर होता चला जा रहा है, और धीरे धीरे वो एप्लीकेशन लेयर के जो है ना, एप्लीकेशन लेयर पे बैठा जो क्लाइंट प्रोसेस है उसको यहाँ से रिसीविंग बफर में से डेटा धीरे धीरे ऊपर देता जा रहा है। आई थिंक समझ पा रहे हो, पूरी साइकिल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, जनरली यही साइकिल चलती है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम सपोज करते हैं, अब क्या हुआ, जैसे एप्लीकेशन लेयर पे जो क्लाइंट प्रोसेस था उसने बहुत सारे डेटा इसको दिया, इसने भी इधर भेजा, और एप्लीकेशन लेयर पे जो सर्वर प्रोसेस था उसने रिसीव करा, और जब इसने सर्वर प्रोसेस ने यहाँ पे डेटा भेजा ना अपने बफर में भेजा, और जो टीसीपी सर्वर था उसने डेटा इसके क्लाइंट के रिसीविंग बफर में भेजा, और जब जैसे ही एप्लीकेशन लेयर पे बैठा जो क्लाइंट प्रोसेस था उसने डेटा रिसीव किया, उसने कुछ डेटा प्रोसेसिंग के लिए दिया था, और जब थोड़ा बहुत डेटा प्रोसेस होके सर्वर से आया, एप्लीकेशन लेयर पे जो बैठा क्लाइंट प्रोसेस था उसने रिसीव करा, रिसीव करते ही क्लाइंट प्रोसेस को समझ में आ गया, नहीं ये तो गलत डेटा था भाई, है ना, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने तो कुछ और डेटा भेजना था तो कुछ और ही आ रहा है वहां से। तो इमीडिएटली इसको लगा नहीं मेरे को सारा अपना काम बंद करना है, लेकिन अब चक्कर क्या था, ये बहुत सारा डेटा भेज चुका था ऑलरेडी, और टीसीपी क्लाइंट का जो बफर था वो ऑलरेडी भरा पड़ा था, बहुत सारा डेटा था। अब जो क्लाइंट प्रोसेस होगा एप्लीकेशन लेयर पे जो क्लाइंट प्रोसेस होगा उसने कंट्रोल प्लस सी भेजा। कंट्रोल प्लस सी क्या है, अबोर्ट कमांड है कि सारा अपना हमारे को कम्युनिकेशन अबोर्ट करनी है, बंद करना सारा कुछ, है ना, मैंने सारा कुछ गलत कर दिया। अब होगा क्या, ये जो कंट्रोल सी कमांड इसने भेजा, ये कमांड तो ऑब्वियसली बफर में क्या है, बफर एक जस्ट लाइक अ क्यू है, तो वो क्यू में एंड में जाकर के लग जाएगा, है ना, और धीरे धीरे टीसीपी क्लाइंट तो बहुत सारा डेटा पहले बचा हुआ है, वो सारा का सारा डेटा इधर भेज देगा, उसके बाद जाकर के इसका नंबर आएगा ना, लाइन में लगे हुए हैं 50-60 लोग पहले लगे हुए हैं, तो तुम आगे आके थोड़ी लग जाओगे, पीछे ही लगोगे ना भाई, तमीज वाले आदमी तो पीछे लगोगे, नहीं तो फिर वही बात है, तुम अड़ जाओगे तो कहोगे वही अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग, जहां पे मैं खड़ा होता हूँ लाइन वहां से शुरू होती है, ऐसे तो कोई करता नहीं, गुंडा तो कोई है नहीं, लाइन लगी हुई है लोगों की, टिकट मिल रही है कहीं की, जैसे ट्रेन की टिकट खरीद रहा है कुछ भी, तो चुपचाप से लाइन में पीछे लगोगे, तो ऑब्वियसली बात है कंट्रोल से भी पीछे आकर के लगेगा, क्यों, है ना, क्यों मतलब क्या है, लाइन लग रही है लोगों की, तो एंड में आकर के लगेगा, ये नहीं कि शुरू में आकर लग जाए, तो एंड में लगेगा, तो धीरे धीरे जाकर के इसका नंबर आएगा ना, पर ये तो बहुत ज्यादा उतावला बैठा है, ये तो कहता है भी मेरे को फटाफट भेजो वहां पे, मेरे को तो बंद करवाना है कम्युनिकेशन एंड सॉ, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता, ये तो क्यू में लगा पड़ा है, ठीक है जी। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एप्लीकेशन जो पे लेयर पे जो क्लाइंट प्रोसेस होगा वो अर्जेंट रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, अर्जेंट फ्लैग की रिक्वेस्ट करेगा, और जब पता लग जाएगा कि हाँ जी अर्जेंट डेटा है, रिक्वेस्ट आ गई है क्लाइंट प्रोसेस से, तो टीसीपी क्लाइंट समझ जाएगा कि नहीं भाई नहीं तो अर्जेंट डेटा है, तो मेरे को इसको स्टार्टिंग में भेजना है, तो ये क्यू जो भी डेटा होगा, है ना, जो भी मतलब इमीडिएटली, वो वेट नहीं करेगा और डेटा आने की या कुछ भी, कंट्रोल सी भेजेगा, मतलब जो भी सेगमेंट बनाएगा उसकी सेगमेंट की हेड पे शुरू में ही ये कंट्रोल सी लगा देगा, है ना, और बाकी आगे जो नॉर्मल डेटा जाना होगा वो चला जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है जैसे पुश फ्लैग में तो हम करते थे सिर्फ थोड़ा सा ही डेटा भेजते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, सेगमेंट में पूरा डेटा आएगा क्योंकि बफर पहले से भरा पड़ा है, है ना, तो कंट्रोल सी को सेगमेंट के शुरू में लगा देगा और एंड में अपना जो नॉर्मल डेटा भेज रहा था वो भेज देगा, और भेज करके एक सेगमेंट बना करके यहाँ चली जाएगी। अब क्योंकि इसमें अर्जेंट फ्लैग सेट था तो जो टीसीपी सर्वर होगा वो भी समझ जाएगा कि अच्छा ये तो अर्जेंट डेटा है, तो क्योंकि एंड में लगा होगा लेकिन आउट ऑफ सीक्वेंस देगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे डेटा भी पड़ा हुआ था उसको छोड़ देगा, क्योंकि एंड में बेशक से लगा था ये, लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि शुरू में आकर के बैठेगा, मतलब इन द सेंस लगा एंड में है, लेकिन टीसीपी सर्वर इसको पहले पिक करेगा और उठा करके एप्लीकेशन लेयर के जो पे जो सर्वर प्रोसेस बैठा है उसको दे देगा। समझ पा रहे हो, लगा क्योंकि एंड में है लेकिन इसने पिक कर लिया है, टीसीपी सर्वर ने इस सेगमेंट को फटाफट से पिक कर लिया और उठा करके एप्लीकेशन लेयर पे जो सर्वर प्रोसेस बैठा था उसको दे देगा। मोर प्रिसाइसली बात करें, थोड़ा सा और अच्छे से बोले, पूरी सेगमेंट उठा के नहीं देनी, जो सेगमेंट के अंदर ये जो डेटा है ना कंट्रोल सी, ये उठा करके सर्वर को देगा, ठीक है। अब पता कैसे लगेगा कि कितना डेटा अर्जेंट और कितना डेटा अर्जेंट नहीं है, उसके लिए हमारे पास अर्जेंट पॉइंटर की फील्ड होती है। आपको याद आ रहा होगा मैंने टीसीपी हेडर में आपको समझाई थी, अगर याद नहीं आ रहा तो टीसीपी हेडर का वो देखो भाई, चलो अब वही बात है, हम फायदा उठाते हैं, अभी पेन टैब है हमारे पास, है ना, मेरे पास सारी स्लाइड्स हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई याद आ गया, ये अर्जेंट पॉइंटर की फील्ड मैंने आपको दिखा रखी है, तो इस फील्ड में हम एक वैल्यू सेट करके भेजेंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी वो बताएगी कि कहां तक का डेटा मेरे पास अर्जेंट है। मैं भी न्यूमेरिकल भी सोल्व कराऊंगा, अभी टेंशन मत लेना, अभी रफली आप समझ लो कहां तक का डेटा मेरा अर्जेंट है, वो पता लग जाएगा अर्जेंट पॉइंटर वाली फील्ड से। और अर्जेंट पॉइंटर वाली फील्ड कब वैलिड होती है, जब हमने ये अर्जेंट फ्लैग सेट करके भेजा होगा, ठीक है। तो जो टीसीपी सर्वर था, जो रिसीवर प्रोसेस था, टीसीपी सर्वर उस टाइम पे रिसीव कर रहा है ना डेटा को, तो रिसीव कर रहा है तो वो अर्जेंट फ्लैग वाली देख लेगा बिट, भाई अर्जेंट फ्लैग वाली बिट सेट है, मतलब कुछ ना कुछ अर्जेंट डेटा है, तो उसको पता लग जाएगा अर्जेंट पॉइंटर वाली फील्ड से कहां तक का डेटा अर्जेंट है, और वो डेटा उठाएगा, ठीक है, वो डेटा उठाएगा सेगमेंट में से,
वही बात है, समझ गया ना, मैंने रफली बोला था पूरी सेगमेंट, पूरी सेगमेंट नहीं जाने उतना डेटा जो भी अर्जेंट था उसको यहाँ से उठाएगा, ठीक है, मतलब वही बात है, पूरी सेगमेंट नहीं, पूरी सेगमेंट में से अर्जेंट वाला डेटा उठाएगा, उठा करके सर्वर प्रोसेस को डिलीवर कर देगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो जैसे पहले क्या हुआ था, एम्बुलेंस वाला मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, याद है प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वी हैव एन एम्बुलेंस, है ना, ये देखो मैंने बोला था ना ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस आ गई तो जो ऊपर ब्रेक लगी हुई थी वो भी सारे मतलब रेड लाइट को क्रॉस करके हम इन सीक्वेंस भेजेंगे सारी, है ना, जो आगे वाली गाड़ी है वो भी चली जाएंगी और जो पीछे एम्बुलेंस है वो भी फटाफट से पार कर जाएगी, तो मतलब सारे सारे डेटा फटाफट एप्लीकेशन प्रोसेस को हम डिलीवर कर दिया करते थे, जब भी पुश फ्लैग सेट हो गया था तो हम ऐसे काम करते थे, मेन बात क्या थी, इन सीक्वेंस डिलीवरी। अब आप देख पा रहे हो भाई यहाँ पे कोई इन सीक्वेंस डिलीवरी नहीं हुई है, सीक्वेंस में तो हमने किया ही नहीं है, आउटो सीक्वेंस करा है, क्यू में अभी बहुत सारा डेटा था, हमने सारा छोड़ दिया उठा करके बीच में से फटाफट अर्जेंट पहले पहुंचा दिया, तो आप इमेजिन ऐसे कर सकते हो एम्बुलेंस कैन फ्लाई, ठीक है, एम्बुलेंस को हमने फ्लाई करा के उड़ा के भेज दिया ऊपर से, एम्बुलेंस कैन फ्लाई। अभी तो खैर आजकल वैसे आ गई है ना हेलीकॉप्टर वाली एम्बुलेंस आ गई है जो उड़ के फटाफट से पेशेंट्स को ले जाती है ना, तो उस टाइप से आप सोच सकते हो, या फिर आप नॉर्मल समझो एम्बुलेंस गाड़ी ही है ना, रेड लाइट पे खड़ी हुई है और वही बात है उसके पंख निकल आए और वो उड़ के फटाफट से आगे क्रॉस करके भाग गई, तो यही कहानी है भाई आउट ऑफ सीक्वेंस डिलीवरी। तो ऐसे याद रखना है आपको, एम्बुलेंस नॉर्मल एम्बुलेंस चल रही है तो आगे वाली गाड़ियां भी जाएंगी और एम्बुलेंस भी निकलेगी, रेड लाइट को पार करेंगे सारी के सारे, है ना। तो ये तो हो गया पुश फ्लैग वाला चक्कर, मतलब इन सीक्वेंस डिलीवरी, और अगर एम्बुलेंस को हम उड़ा करके भेजने की कोशिश करते हैं दैट इज अर्जेंट फ्लैग वाला चक्कर, ठीक है, समझ गए हो गया आई थिंक आप लोग, एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैंने लिंक कर दिया और कुछ नहीं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, एम्बुलेंस कैन फ्लाई, उड़ के जा रही है एम्बुलेंस, ठीक है, आउट ऑफ सीक्वेंस हो रहा है। तो याद रखना भाई इन सीक्वेंस डिलीवरी जल्दी 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 डिलीवरी कराने के लिए इन सीक्वेंस डिलीवरी कौन करवाता है, पुश फ्लैग, और आउट ऑफ सीक्वेंस डिलीवरी एकदम अर्जेंट बेसिस पे वो कौन कराता है, अर्जेंट फ्लैग वाला अर्जेंट फ्लैग कराता है काम, ठीक है। पुश फ्लैग क्या करवाता है, जल्दी जल्दी डिलीवरी करवाएगा बट इन सीक्वेंस करवाएगा, और अर्जेंट अर्जेंट फ्लैग क्या करेगा, आउट ऑफ सीक्वेंस करवा देगा, ठीक है। तो जब भी अर्जेंट फ्लैग सेट होता है तो अर्जेंट पॉइंटर वाली फील्ड हमारी वैलिड होती है और अर्जेंट पॉइंटर बताता है कहां तक का डेटा हमारा अर्जेंट है और वहां तक का डेटा उठा करके तो सर्वर को दे देता है, टीसीपी सर्वर जो होता है वो अपने सर्वर प्रोसेस को दे देता है और बस फटाफट से सर्वर को पता लग जाएगा कि हाँ भी नहीं सारा सारा डेटा गलत है तो वो यू कैन से प्रोसेसिंग बंद कर देगा, नहीं तो सारे बेचारा बैठा बैठा सारी रात लगा रहेगा प्रोसेसिंग करता रहेगा एंड जोन, अब वो बंद कर देगा ना टास्क, उसको पता लग गया सारा सारा काम ही खराब है, ठीक है, हमारे को कुछ करना ही नहीं है, क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दी कहानी की तरफ से, मैंने आपको समझा दिया कि अर्जेंट फ्लैग क्या है, ठीक है जी। चलो अब मैं लाइंस पढ़ूंगा, अब आपको बहुत मजा आएगा, फटाफट से चीजों को पकड़ जाओगे, देखो भाई आराम से समझते हैं हम लोग, लाइंस पढ़ते हैं एक करके, देखो भाई अर्जेंट डेटा, हाँ जी, टीसीपी इज स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ये हमारे को पता है, दिस मींस दैट डेटा आर presented from the application program to the TCP as stream of bytes. So bytes by bytes data आता है, ये मैंने आपको कुछ like जब पढ़ा रहा था वहां पर मैंने बताया था, आज भी मैंने आपको बताया, byte by byte data, मतलब डेटा की बारिश होती रहती है ऐसे बाइट बाय बाइट टीसीपी के पास आता रहता है, ठीक है। टीसीपी खुद थोड़ी कम्युनिकेट करता है, तो असिस्टेंट है वो, तो बेचारा असिस्टेंट है, उसको कुछ नहीं पता, जो ऊपर मालिक होता है वो बोलता है सारा कुछ, है ना, मालिक कौन है भाई, या तो क्लाइंट प्रोसेस या सर्वर प्रोसेस, वो अपने अपने असिस्टेंट को बोलते रहते हैं, तो यहाँ से बारिश हो रही है डेटा की, ठीक है, बाइट बाय बाइट आता चला जाता है और टीसीपी क्या करता है वो अपने बफर में स्टोर करता रहता है और टाइम टू टाइम सेगमेंट्स बना बना करके भेजता रहता है, ठीक है, ओके जी। तो ईच बाइट ऑफ डेटा has a position in the stream, जिसको हम byte number कहते हैं, आपको पता है। However, on occasion, an application program need to send urgent bytes, ठीक है? कुछ urgent bytes भेजनी है। This means that the sending application program wants a piece of data to be read out of order by the receiving application program. ये मैं ना फरोजन की किताबों की किताब की लाइनें पढ़ रहा हूँ, ये लाइनें एज चीज उठ के आ जाएंगे, इसलिए मैं ढंग से पढ़ा रहा हूँ, प्लीज आराम से इनको पढ़ लो और थोड़ा ठंडे दिमाग से पढ़ने की कोशिश करो, सारा समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी बातें बोली है, रियली में बहुत आसान लाइनें हैं, मैं बार बार बोलूंगा तो वीडियो लंबा भी होगा, टाइम बर्बाद भी होगा, आपको खुद से समझ में आ रहा होगा, है ना, एक बार और पढ़ देता हूं, चलो। This means that sending application program wants piece of data to be read, ये देखो भाई out of order, ये मेन बात है, ठीक है, out of order by the receiving application program, ठीक है जी। तो याद रखना भाई, जब भी आउट ऑफ ऑर्डर वाली बात आएगी अर्जेंट फ्लैग, याद रखना आपको, इन सीक्वेंस डिलीवरी की बात आएगी अर्जेंट बेसिस पे इन सीक्वेंस डिलीवरी करवानी है पुश फ्लैग, अर्जेंट बेसिस पे आउट ऑफ सीक्वेंस डिलीवरी करवानी है अर्जेंट फ्लैग, ठीक है जी। एज एन एग्जांपल सपोज दैट द सेंडिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इज सेंडिंग डेटा टू बी प्रोसेस्ड बाय द रिसीविंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, डेटा भेज रहा है प्रोसेसिंग करवाने के लिए, व्हेन द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग कम्स बैक द सेंडिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम फाइंड्स दैट एवरीथिंग इज रॉन्ग, ये मैंने बोला था ना, जब रिजल्ट आया डेटा प्रोसेसिंग के लिए उसने बहुत सारा डेटा भेज दिया और जब आया वहां से रिजल्ट, उसको लगा सारा कुछ गलत है भाई, मैं सारा कुछ गलत कर बैठा हूँ, ओके, नाउ इट वांट्स टू अबॉर्ट द प्रोसेस,
ओके बट इट हैज ऑलरेडी सेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ऑलरेडी वो पहले से भेज के बैठा हुआ है. इफ दिस इशू इफ इट्स इशूज एन अबॉर्ट कमांड कंट्रोल प्लस सी, ओके दीज टू कैरेक्टर्स विल बी स्टोर्ड एट द एंड ऑफ द रिसीविंग टीसीपी बफर. मैंने आपको बोला था ना भाई ये एंड में जाकर के लग जाएगा. अच्छा जी, नाउ इट विल बी डिलीवर्ड टू द रिसीविंग एप्लीकेशन प्रोग्राम आफ्टर ऑल डेटा हैव बीन प्रोसेस्ड. सारा कुछ प्रोसेसिंग होने के बाद भेजा जाएगा, है ना, क्योंकि एंड पे लगेगा. ये याद है कि नहीं, मैंने आपको बोला था यहाँ पे आया आखिरी में जाके लगेगा, है ना. अच्छा जी, और ये कब प्रोसेस होगा, जब ऊपर वाला डेटा सारा चला जाएगा उसके बाद प्रोसेस होगा. और ऊपर वाला डेटा सारा चला गया तो फिर तो कहानी कदम, सारा डेटा चला ही गया उसके पास, तो उसको सारी मेहनत तो करनी पड़ेगी. और फिर बाद में बोलोगे कि नहीं सारा सारा काम गलत था, ये तो अजीब काम हो जाएगा ना भाई, समझ रहे हो ना भाई, है ना. तो ऐसे नहीं करना चाहिए. हाँ जी, तो आउट ऑफ ऑर्डर हम अभी करवाएंगे, देखो भाई. हाँ जी, तो इट इट विल डिलीवर टू द रिसीविंग एप्लीकेशन प्रोग्राम आफ्टर ऑल डेटा हैव बीन प्रोसेस्ड. ठीक है जी. नाउ द सॉल्यूशन इज टू सेंड सेगमेंट विद एन यूआरजी बिट सेट, ठीक है, अर्जेंट फ्लैग वाली बिट सेट करके भेजेंगे. द सेंडिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टेल द सेंडिंग टीसीपी दैट द पीस ऑफ डेटा इज अर्जेंट. ठीक है, तो जो सेंडिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये मैंने अभी आपको बताया था, ये बता रहा है भाई डेटा बहुत अर्जेंट है, फटाफट से भेजो. जब ये अर्जेंट की रिक्वेस्ट करता है तो टीसीपी जो भी होगा, जो टीसीपी क्लाइंट होगा, वो फटाफट से सेगमेंट बना के भेजेगा, ठीक है, और कंट्रोल सी को शुरू में लगा देगा. हाँ जी, तो ये देखो हमने लिखा हुआ है द सेंडिंग टीसीपी क्रिएट अ सेगमेंट एंड इंसर्ट द अर्जेंट डेटा एट द बिगिनिंग ऑफ द सेगमेंट, शुरू में लगा देगा. ठीक है, ओके जी. द रेस्ट ऑफ द सेगमेंट कैन कंटेन नॉर्मल डेटा फ्रॉम द बफर. मैंने आपको बोला था कि ये नॉर्मल डेटा इसके अंदर जाएगा, बाद वाला डेटा नॉर्मल होगा, है ना, शुरू में कुछ हम अर्जेंट भेज लेंगे. ओके जी, नाउ द अर्जेंट पॉइंटर फील्ड इन द हेडर डिफाइंस द एंड ऑफ द अर्जेंट डेटा एंड द स्टार्ट ऑफ द नॉर्मल डेटा. ये मैंने आपको बताया था अर्जेंट पॉइंटर क्या बता रहा है, कहाँ पे हमारा एंड हो रहा है और दूसरा नॉर्मल डेटा कहाँ से शुरू हो रहा है, तो वही बात है, उसी से हम पता लगाएंगे. अभी अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा और समझ में आ जाएगा. हाँ जी, व्हेन द रिसीविंग टीसीपी रिसीव्स अ सेगमेंट विद अर्जेंट बिट सेट इट एक्सट्रैक्ट्स द अर्जेंट डेटा, ओके, फ्रॉम द सेगमेंट. It extracts the urgent data from the segment using the value of the urgent pointer and delivers them out of order. ये बात ध्यान रखनी है, out of order. Ambulance can fly. Ambulance उड़ के जाएगी, ठीक है, to the receiving application program. I think समझ गए होगे आप लोग. अगर कुछ नजर नहीं आया था, आपको लग रहा है कुछ मतलब शायद मैं आगे अड़ गया था या जो भी है, तो अब आप आराम से ये नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, वीडियो को पॉज करो, ये आराम से सब नोट डाउन कर लो. ओके जी, आई थिंक क्लियर हो गया अगर सबको, एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने समझाया आपको. दिस इज ऑल अबाउट अर्जेंट फ्लैग. ओके जी, बस अब हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, मैं आपको फटाफट से न्यूमेरिकल करा देता हूँ. क्या कह रहे हैं भाई, अर्जेंट फ्लैग वन है, सीक्वेंस नंबर 1000 आया. सीक्वेंस नंबर 1000 आने का मतलब क्या हुआ, जो पहली बाइट का नंबर है, जो भी डेटा हम भेज रहे हैं सेगमेंट के अंदर, जो भी डेटा जा रहा है उसमें जो भी पहली बाइट है उसका बाइट नंबर 1000 है, इतना आप समझ चुके हो. एंड अर्जेंट पॉइंटर इज 100, अर्जेंट पॉइंटर 100 है. वट इज द बाइट नंबर ऑफ द लास्ट बाइट ऑफ अर्जेंट डेटा, तो लास्ट बाइट देखो ऐसे निकालते हैं हम लोग, सीक्वेंस नंबर प्लस अर्जेंट पॉइंटर वाली फील्ड को ऐड कर दो. ठीक है जी, सीक्वेंस नंबर क्या था जी, 1000 और ये 100, तो 1100, तो 1100 इज द बाइट नंबर ऑफ द लास्ट बाइट जो कि अर्जेंट है, समझ गए हो. हाउ मेनी बाइट्स आर डिलीवर्ड आउट ऑफ ऑर्डर टू रिसीवर एप्लीकेशन प्रोग्राम, कितनी बाइट्स हमने आउट ऑफ ऑर्डर करी है, 1000 से शुरू करके 1100 तक, 1000 से शुरू करके 1100 तक हमने आउट ऑफ ऑर्डर करी है. तो समझ पा रहे होगे कितनी होगी, 1100 माइनस 1000 प्लस 1, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1. ये आई थिंक सब जानते हो ना भाई, एक बाइट 1000 भी तो लेके बैठी है, 1000 सीक्वेंस नंबर एक बाइट को दिया है ना, और 1100 भी हमारी लास्ट को दिया है, तो कितनी होगी ये बाइट, 1100 माइनस 1000 प्लस 1. जैसे पहली बाइट को सीक्वेंस नंबर 1 है, ये बाइट नंबर 1 है, और जो लास्ट बाइट है उसका बाइट नंबर 3 है, तो कितनी बाइट्स होगी ये, 1 2 3, तीन बाइट ना होगी. तो तीन कैसे निकाले भाई, 3 माइनस 1 प्लस 1 करके निकाले कि नहीं, ये बातें मैं बार बार बोलते रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आता है प्लस वन कब करना है नहीं करना है एंड सॉन, तो इसलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन. इतना याद रखना है भाई, जो भी 1000 है वो एक बाइट को मिला हुआ है, ठीक है, तो इसलिए फिर प्लस वन हमारे को साथ करना होता है. ठीक है जी, तो 101 बाइट ये ध्यान रखना है भाई, 101 बाइट है अर्जेंट वाली जो आपने डिलीवर करवाई है. आई थिंक समझ गए होगे आप लोग मैं क्या कहने कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है जी, तो अर्जेंट पॉइंटर 100 है, इसका मतलब 101 प्लस 1 होता है, 101 बाइट आपने आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी करनी है. आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग. और ये अर्जेंट पॉइंटर वाली फील्ड वैलिड कब है, जब यूआरजी फ्लैग हमारा सेट होगा. ये देखो मैंने लिखा है, अगर अर्जेंट फ्लैग सेट ही नहीं है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो बकवास है सारा कुछ. समझ गए होंगे आप लोग. ठीक है जी, तो आई थिंक विद न्यूमेरिकल आपको प्रॉपर पता लग चुका है अर्जेंट पॉइंटर क्या कर रहा है, अर्जेंट फ्लैग क्या कर रहा है एंड सो ऑन. नोट डाउन करो इसको, आगे बढ़ रहा हूं मैं. ठीक है जी, ओके जी, अब रीसेट फ्लैग जो हमारा बच गया था वो मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ. ओके, तो रीसेट फ्लैग देखो क्या कहता है, देखो ये भी बहुत सिंपल सिनेरियो, आई थिंक मैंने आपको पहले काफी बार बताया भी था.
क्लाइंट क्लाइंट टीसीपी है और ये सर्वर टीसीपी है ना, इनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, दे आर इन एस्टेब्लिश्ड स्टेट, ठीक है, दे आर इन एस्टेब्लिश्ड स्टेट मतलब कनेक्शन इनके बीच में बना हुआ है और डेटा खूब सारा डेटा क्लाइंट सर्वर के पास भेजता चला जा रहा है प्रोसेसिंग करने के लिए एंड सो ऑन। क्या हुआ, जिस भी मशीन पे हमारा सर्वर टीसीपी था वो लाइट चली गई या कुछ भी हुआ, मशीन हमारी डाउन हो गई। अब मतलब सिंपली बात करो तो जो सर्वर टीसीपी था वो क्रैश हो गया, क्रैश हो गया तो दोबारा से रिबूट हुआ, सब कुछ दोबारा से स्टार्ट हुआ, लेकिन क्लाइंट को क्या पता, क्योंकि वो तो बहुत सारा डेटा भेज रहा था तो वो भेजता ही चला जा रहा है ना, और सर्वर रिसीव करेगा उसको लगेगा पता नहीं ये सब क्या चल रहा है अभी मेरे को तो नहीं पता, तो इमीडिएटली सर्वर क्या करेगा RST फ्लैग सेट करके भेज देगा एक सेगमेंट जो कि बताएगा कि रुक जाओ सारा कुछ बंद करो मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कनेक्शन को रिसेट मारो, ठीक है। मतलब रिसेट फ्लैग एक्चुअली क्या करता है, कनेक्शन को रिसेट का मतलब एक्चुअली क्या है, टर्मिनेट हो रहा है कनेक्शन, एकदम टर्मिनेट हो रहा है, अब सारा काम दोबारा से होगा, थ्री वे हैंड शेकिंग सब दोबारा से होगा, सिम फ्लैग जाएगा, सिम प्लस AC के आएगा, फिर AC के जाएगा, थ्री वे हैंड शेकिंग सब कुछ दोबारा से शुरू होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे रिसेट फ्लैग क्या करता है, कनेक्शन को टर्मिनेट कर देता है, ठीक है, कनेक्शन को टर्मिनेट कर देता है। आई थिंक याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना, टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर से, आप मेरे देखो वहां से भी आपको याद आ जाएगा, है ना, सर्वर या तो लिसन स्टेट में चला जाता है या क्लोजिंग स्टेट में चला जाता है, ऐसे जब भी RST फ्लैग आता था क्लाइंट क्लोजिंग स्टेट में चला जाता था एंड सॉन्ग, तो मतलब एक किस्म से हम कनेक्शन को बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं तो दोबारा से सारा थ्री वे हैंडशेक करेंगे, सारा कुछ काम दोबारा से करेंगे, आई थिंक समझ पा रहे होगा आप लोग, ठीक है जी। और प्लीज ये बात ध्यान रखना, ये मैं नहीं बता रहा, मैंने आपका जो RFC 793 है, RFC 793 जो है हमारा TCP का, वहीं से मैंने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, प्लीज ध्यान रखना, काफी जगह गलत बता रखा होता है कि SYN फ्लैग और ACK फ्लैग दोनों जीरो कभी नहीं हो सकते, इस सिनेरियो में ये जीरो होते हैं, ठीक है, RST फ्लैग जाएगा ACK काहे की जाएगी, अगर ACK गई मतलब सर्वर ने ACK भेजी तो इसका मतलब क्या है, उसने क्लाइंट का डेटा एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट थोड़ी किया है, एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपकी बात को एक्नॉलेज कर रहा हूँ, कॉमन सेंस समझो, एक्नॉलेज करने का मतलब मैं हाँ भर रहा हूँ, तो सर्वर ने हाँ क्यों भरनी है भाई, उसने कुछ रिसीव थोड़ी किया है, उसने कुछ नहीं रिसीव किया, उसने सारा डिस्कार्ड किया है, तो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग सेट होकर जाने का कोई मतलब ही नहीं है, और SYN भी ऑब्वियसली बात है जीरो ही होगा, है ना, SYN क्यों जीरो होगा, कुछ हम यहाँ पे सिंक्रोनाइज थोड़ी कर रहे हैं, सीक्वेंस नंबर को कनेक्शन थोड़ी बना रहे हैं, हम तो टर्मिनेट कर रहे हैं, तो जब RST फ्लैग जब सेट है इस केस में SYN फ्लैग भी जीरो है और ACK फ्लैग भी जीरो है, और इसकी डिटेल आप चाहते हो तो आप RFC 793 से देख सकते हो, उसमें प्रॉपरली ये जो मैंने पॉइंट बोला है ये एज इट इज पॉइंट लिखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है, तो उसमें प्रॉपरली बता रखा है कि जब रिबूट होगा सर्वर तो वो रिसेट कर देगा, है ना, क्लाइंट डेटा भेजता चला जा रहा है तो सर्वर उसको रिसेट करवा देगा, रिसेट के टाइम पे SYN फ्लैग भी जीरो है और ACK फ्लैग भी जीरो, कॉमन सेंस सोचो ना, ACK फ्लैग आप भेजोगे क्यों, हाँ क्यों भरोगे आप, सर्वर क्यों हाँ भरेगा भाई, ठीक है। अच्छा फिर आपको लगेगा कि चलो फिर भी थोड़ा सा अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं हल्का सा डिटेल दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप चीजें क्लियर कर पाए, जैसे क्लाइंट से सर्वर की तरफ डेटा गया और सीक्वेंस नंबर हम समझ लेते हैं, सपोज करो जो भी इसका सीक्वेंस नंबर था 1000 था और उसने ACK किया था सपोज कर लो 5000, ठीक है, वो ACK 5000 क्यों किया था, क्योंकि सर्वर से पुराना डेटा तो आ ही रहा होगा कुछ ना कुछ, है ना, और बीच में सर्वर रिबूट हुआ तो उसने, बस मेन बात यह है कि सर्वर ने ACK 5000 रिसीव किया है, ठीक है, तो वही बात है क्लाइंट को समझाने के लिए कि हाँ जी आप ही की सेगमेंट को ही मैंने मतलब यू कैन से रिसेट कर रहा हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, तो इसलिए जो सर्वर भेजेगा ना ACK RST फ्लैग सेट करके जो सेगमेंट भेजेगा उसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा भाई, उसका सीक्वेंस नंबर वही होगा जो क्लाइंट से ACK उसने रिसीव करा था, मतलब 5000, क्योंकि क्लाइंट स्टिफ है भाई, उसके दिमाग में 5000 चल रहा है, तो जब तक 5000 नहीं आएगा ना सर्वर से क्लाइंट नहीं मानने वाला कुछ भी, समझ रहे हो ना भाई, आपके दिमाग में एक नंबर आएगा कि मेरे को इससे 5000 रुपए चाहिए, है ना, आप अटक गए इस बात पे कि मैं तो 5000 ही लूंगा चाहे कुछ का कुछ हो जाए, तब दूसरा आदमी जितना मर्जी कुछ बोले आप उसकी बात ही नहीं सुनोगे, आप कहोगे ना जी ना मेरे को तो 5000 ही चाहिए, फिर वही बात दुकानदारी वाला एग्जांपल आ रहा है मेरे को दिमाग में, है ना, हमारा बिल बन चुका है 5000 रुपए का, अब मैंने तो 5000 ही लेने हैं, मैं 4999 भी नहीं पकड़ूंगा, वो जितना मर्जी बोलता रहे जो मर्जी कहता रहे कि नहीं जी नहीं थोड़ा कम करो ये करो वो करो, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मेरा बिल 5000 का है तो मैं 5000 ही लूंगा, तो बस क्लाइंट के दिमाग में घुसा पड़ा है 5000, जब तक 5000 नहीं आएगा वो कुछ नहीं सुनने वाला, क्यों घुसा पड़ा उसके दिमाग में, क्योंकि उसने ACK 5000 किया है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, है ना, ACK 5000 के तो मतलब क्लाइंट के दिमाग में 5000 ही चल रहा है, अब क्लाइंट के दिमाग में 5000 चल रहा है तो सर्वर को 5000 ही भेजना पड़ेगा, तभी क्लाइंट सर्वर की बात को सुनेगा समझेगा, नहीं तो उसने कुछ नहीं सुनना समझना, तो इसलिए सर्वर ने जो ACK क्लाइंट ने 5000 करी थी वही उसने सीक्वेंस नंबर 5000 लगा करके भेजी, नो डाउट अभी कोई कनेक्शन नहीं है सर्वर क्लाइंट के बीच में, क्योंकि सर्वर तो रीबूट हुआ है अभी उसको कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी ये प्रोग्रामिंग TCP की ऐसी है ना भाई, क्योंकि सर्वर को समझाना है अगर कुछ भी क्लाइंट को
तो क्लाइंट के तरीके से उसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि जो क्लाइंट भाषा बोल रहा है वही सर्वर को भाषा बोलनी पड़ेगी, तब वो समझेगा, नहीं तो नहीं समझने वाला। और क्लाइंट क्या भाषा बोल रहा है, 5,000 रुपए मेरे को 5,000 चाहिए, तो सर्वर बोलेगा ठीक है भाई ले तू 5,000 ले, और मैं रिसेट कर रहा हूँ कनेक्शन, अब दोबारा से मेरे पास मत भटक जाइयो, मेरे को नहीं पता क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, सारा काम अगर करना तो दोबारा से शुरू कर, मेरे को अभी कुछ नहीं पता। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, तो प्लीज इसे सीक्वेंस नंबर से समझ में आएगा सारा कुछ। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ एसी के सेट करके भेजने का मतलब क्या हुआ, जो सीक्वेंस नंबर उसने 1,000 वाला पैकेट भेजा है वो सर्वर ने एक्सेप्ट किया, तभी तो एसी के बंद करके भेजेगा ना भाई। अब क्यों सेट करके भेजे वो एसी के बंद जब उसने रिसीव ही नहीं किया, समझ रहे हो कि नहीं, कैसे समझ लो, इसने 1,000 रुपए दिए हैं, इसने 1,000 रुपए दिए हैं, इसने लिए हैं, तभी तो उसके एक्नॉलेजमेंट करेगा, जब उसने पकड़े ही नहीं लिए ही नहीं तो फिर एक्नॉलेजमेंट का एक ही करेगा, तो नहीं करेगा एक्नॉलेजमेंट, प्लीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में एसी के भी 0 है और सीक्वेंस नंबर भी 0 है। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा, वो जितना मैं आपको ढंग से समझा रहा हूँ चीजें, क्लियर हो गया होगा सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये हो गया आरएसटी वाली कहानी, ठीक है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, खैर इतना हमारे को घुसने की जरूरत नहीं है। एक कारण मेरे मन में हो रहा है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज कर लो वही ये क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट ने सिन फ्लैग सेट करके अपने सीक्वेंस नंबर पहले भेजी, सीक्वेंस नंबर इसने भेजा 1,000, ठीक है, और सिन फ्लैग सेट करके सेगमेंट भेजी, मतलब वही बात है रिश्ता बनाने की रिक्वेस्ट कर रहा है। सपोज करो ये लॉस होगी रिश्ते में, ठीक है, और कोई पुरानी क्लाइंट ने भेज रखी थी सर्वर के पास सीक्वेंस नंबर, वो पहुंच गई, ठीक है, और कोई पुरानी इसने भेज रखी थी तो वो सपोज कर लो यहाँ पहुंच गई, और वो सीक्वेंस नंबर था जी सपोज कर लो 5,000, ठीक है, और सिन फ्लैग सेट होकर के आया था। तो अब सर्वर थोड़ी पहचान कर पाएगा कि ये पुरानी सीक्वेंस नंबर है या नई सीक्वेंस नंबर है या क्या है और क्या नहीं, सर्वर को क्या पता, वो तो कहेगा ठीक है जी मैं तो जिस इंतजार में बैठा था कि मेरे पास कोई सिन पैकेट भेजे तो मैं अपना काम शुरू करूं, है ना, वही बात है, दुकानदार आदमी अपना शटर खोल के बैठा हुआ है, कोई तो ग्राहक आएगा चाहे नया आया चाहे पुराना है, उसने तो एक्सेप्ट करना ही करना है, तो उसको नहीं समझ पड़ी इतनी कि पुराना आया नया आया उसको कैसे पता लगेगा, उसने तो बोला जी ठीक है जी सीक्वेंस नंबर 5,000 आया, सिन फ्लैग सेट होकर के आया, तो मेरे को तो भाई एक्नोलेजमेंट करनी है, तो ठीक है जी इसने अपना सीक्वेंस नंबर चूज किया, सपोज कर लो इसने सीक्वेंस नंबर चूज कर लिया 10,000, ठीक है, इसने सीक्वेंस नंबर सेट करके भेजा 10,000, और एसी के क्या करेगा भाई, एसी के क्या करेगा, अब वहां से सीक्वेंस नंबर 5,000 आया था तो एसी के क्या करेगा 5,001 कहेगा ठीक है जी 5,001 वाला डेटा भेजो। अब क्लाइंट जैसे ही ये एसी के 5,001 रिसीव करेगा, रिसीव करते उसका तो दिमाग घूम जाएगा, वो कहेगा मैंने तो भाई 1,000 भेजा और तू 5,001 कैसे भेज दे भाई, तो इमीडिएटली क्लाइंट बोलेगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इमीडिएटली ये आरएसटी फ्लैग सेट करके सेगमेंट भेजेगा, और उसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा भाई, प्लीज ध्यान रखना भाई सीक्वेंस नंबर क्या होगा जो सर्वर के दिमाग में है, ठीक है, सर्वर ने क्या किया है एसी के 5,001, प्लीज बहुत ध्यान रखना भाई, है ना, तो अब सर्वर के दिमाग में 5,001 है तो क्लाइंट को मजबूरी में सीक्वेंस नंबर 5,001 ही भेजना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि तभी वो सुनेगा, सर्वर के दिमाग में 5,000 मेरे को 5,001 रुपए चाहिए, तो मेरे को जब तक 5,001 रुपए नहीं दोगे मैं नहीं सुनने समझने वाला कुछ भी। उसने अगर 1,000 भेज दिया, क्योंकि उसने नो डाउट सीक्वेंस नंबर 1,000 चूज किया था क्लाइंट ने, अगर उसने 1,000 ही भेज दिया तो कहेगा मैं तो 5,001 चाहता हूँ, तू मेरे को 1,000 दे रहा है, मैंने सुनने वाला तेरी बात, तो इसका मतलब क्या हुआ जो सर्वर के दिमाग में है उसको वही बात समझानी पड़ेगी, इसका मतलब क्या होगा क्लाइंट सीक्वेंस नंबर क्या भेजेगा 5,001 और साथ साथ आरएसटी फ्लैग सेट करके सेगमेंट भेज देगा सर्वर के पास और कहेगा कनेक्शन को टर्मिनेट करो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा तुम क्या बात कर रहे हो, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा क्लाइंट आरएसटी कर सकता है, क्लियर हो गया सब लोगों को, ठीक है जी ये तरीका एक ये नोट कर लेना। अच्छा जी एक और तरीका है, जैसे सपोज कर लो वही बात है क्लाइंट है ये सर्वर है, क्लाइंट ने अपना सीक्वेंस नंबर 1,000 चूज किया है, ठीक है, क्लाइंट ने सीक्वेंस नंबर क्या चूज किया है 1,000 और सिन फ्लैग सेट करके सेगमेंट भेजी सर्वर के पास। अब सर्वर वही बात है बफर्स एलोकेट करनी होते हैं एंड सोन, और सर्वर की कुछ लिमिट होती है कि कितने क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को वो साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकता है, अब उसकी वो लिमिट पार हो चुकी है, जैसे सर्वर डिजाइन किया था हमने कि वो 100 क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा उससे ऊपर नहीं करेगा, तो अब ये सपोज कर लो क्लाइंट नंबर 101 है, ठीक है, मतलब लिमिट पार हो चुकी है, सो ही रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकता है, ये 101 है भाई, है ना, ये तो वही बात है सर्वर के पास इसने भेज दी सीक्वेंस नंबर 1,000 और सिन फ्लैग सेट करके सेगमेंट भेज दी, सर्वर कहेगा भाई नहीं मेरी अभी इतनी ताकत नहीं है, तो ये क्या भेजेगा इसको सीक्वेंस नंबर जो भी इसका अपना चूज करना होगा वो कर लेगा, रैंडम नंबर 2,000 3,000, क्योंकि यहाँ से एक्नॉलेजमेंट तो आई नहीं है, पहला फ्लैग है पहले सेगमेंट है, पहला सेगमेंट है और उसमें वही बात है सिन फ्लैग सेट करके भेजते थे एक्नॉलेजमेंट नहीं करते थे, ठीक है जी, तो सर्वर अपना सीक्वेंस नंबर ले लेगा, इसको जो भी लेना था सपोज कर लो 2,000 ले लेगा और आरएसटी सेट करके भेज देगा सेगमेंट को, ठीक है, तो उस टाइम पे कनेक्शन हमारा रिसेट हो जाएगा, आई थिंक समझ में आ गया सब लोगों को, एसी के नहीं करना प्लीज ध्यान रखना, कहीं आपको लगे कि जो सीक्वेंस नंबर 1,000 है उसका एसी के कर दो, बार बार समझा रहा हूँ एसी के का मतलब क्या होता है हाँ भरना,
अगर सर्वर ने आरएसटी प्लस एसीके कर दिया तो बवाल मच जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, क्लाइंट से सर्वर तक का रिश्ता बन गया, क्योंकि देखो क्लाइंट ने सीक्वेंस नंबर 1000 भेजा है और सर्वर ने उसको एसीके कर दिया तो काम खत्म। फिर तो क्या कहेगा क्लाइंट, कहेगा मेरे तो बल्ले बल्ले, मैं तो एस्टेब्लिश स्टेट में आऊंगा ही आऊंगा। याद है ना मैंने थ्री वे हैंडशेकिंग आपको सारा बता रखा है। तो जैसे ही क्लाइंट अपना सीन फ्लैग सेट करके सेगमेंट भेजता था और सर्वर उसको एसीके करता था, जैसे ऐसे के करता था तो क्लाइंट अपना एस्टेब्लिश स्टेट में चला जाता था, क्योंकि उसको तो हो गया भाई, उसने सीक्वेंस नंबर भेजा, सर्वर ने हाँ भर दी। एक्नॉलेजमेंट का मतलब हाँ भरना होता है, तो इसने सर्वर ने हाँ नहीं भरनी ना बिल्कुल भी। अगर इसने हाँ भर दी तो बवाल बन जाएगा, फिर तो क्लाइंट के साथ क्लाइंट बोलेगा कि मेरा तो कनेक्शन बन गया सर्वर के साथ, समझ रहे हो ना। तो उसने हाँ नहीं भरनी भाई, प्लीज ध्यान रखना भाई, एसीके नहीं सेट होके जाएगा, प्लीज ध्यान रखना ठीक है। इस टाइम पे एसीके सेट नहीं होकर जाना, सिर्फ सीक्वेंस नंबर भेजेगा, जो भी इसने अपना रैंडम नंबर चूज करना होगा कर लेगा 2000, और आरएसटी सेट करके भेज देगा, बंद करो भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा ठीक है, मतलब मैं आपसे कनेक्शन नहीं बना सकता ओके। और भी बहुत कुछ होता है एक्चुअली, मैं और डीप में नहीं जाना चाह रहा, जैसे क्लाइंट ना एक्चुअली कुछ मतलब इंप्लीमेंटेशन बहुत सारी है, मैं इतनी डीप में नहीं जाना चाहता। टाइम भी स्पेसिफिक हो जाता है कि क्लाइंट बोलता सर्वर को कि मेरे को 5 मिनट के लिए आप टाइम दे दो और मैं अपना सारा डेटा ट्रांसफर कर लूंगा एंड सोन। अब सर्वर बोलता है कि मेरे पास 5 मिनट नहीं है, मैं 2 मिनट दे सकता हूँ, बोल करना तो छोड़ दे। तो उस टाइम पे भी इस टाइप से भी कनेक्शन होता है, मतलब सारी ना नेगोशिएशन कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में हो जाती है। क्लाइंट पहले बता देता है सर्वर को कि मेरे को कितनी देर के लिए कनेक्शन चाहिए एंड सो ठीक है। अब सर्वर के पास टाइम होगा तो देगा, नहीं तो कहेगा छोड़ दो मैं नहीं करता, आरएसटी करके भेज देगा, कनेक्शन हमारा टर्मिनेट हो जाएगा ठीक है। बस दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट जितना है मैंने आपको बता दिया। इस पेपर गेट एग्जाम में आना है, नहीं तो आप परेशान क्यों होते हो ठीक है, जितना आना है उससे ज्यादा ही मैंने आपको बता दिया ठीक है जी। चलो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट आरएसटी फ्लैग, इसको आप नोट डाउन कर लो ठीक है, जितना समझ में आ रहा है उतना आप नोट डाउन कर सकते हो। अच्छा चलो मैं ऐसा करता हूँ, बड़ा ही करता हूँ है ना, एक स्क्रीन पे तो आ नहीं रहा, यहाँ तक कर लो नोट डाउन, थोड़ा सा छोटा करते हाँ, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, कर लिया। अच्छा अब ये जो थोड़ा सा मैंने बताया था ये भी नोट डाउन कर लो, दैट्स इट बस ठीक है। आरएसटी फ्लैग की भी कहानी हमारी खत्म ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विंडो के बारे में पढ़ेंगे है ना, मतलब फ्लो कंट्रोल कैसे होता है टीसीपी में, सेंडिंग विंडो रिसीविंग विंडो एंड सो सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है। ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो। मैं आपसे कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ ठीक है। तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो ठीक है। ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय।